lands through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go. So what's up guys, welcome to my channel Epic Sunny with another वीडियो। सो गाइस बहुत टाइम बाद, काफ़ी टाइम बाद मैं आज मुंबई के किसी गुरुद्वारे में जा रहा हूँ माथा टेकने के लिए। क्योंकि मैं बहुत काफ़ी दिन से फ्रस्ट्रेट हो रहा था, काफ़ी टेंशन में था, तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि गुरुद्वारा जाऊँ, वहाँ पे थोड़ा अच्छा फील होएगा। वहाँ पे एक दो घंटा हम लोग सेवा करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा मन को शांति मिलेगा। और दूसरी बात गाइस, गुरुद्वारा के सामने एक बहुत अच्छा वर्सोवा बीच है, और जो गुरुद्वारा बना वो बीच के बिल्कुल सामने बना हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग गुरुद्वारा से सेवा करके एक दो घंटा थोड़ा मन को शांति मिलेगा, तो हम लोग उसके बाद वर्सोवा बीच पे जाएंगे। मैं आपको बीच के वो सब चीज़ें दिखाऊंगा, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। मेरे को वैसे भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ये चीज़ देख पाओ। तो अभी हम लोग घर पे बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। सो गाइस लेट्स गो फाइनली यो वो देन। अभी नीचे आ चुका हूँ और नीचे जा रहा हूँ, और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ की सबसे बड़ी बात ये है कि एक बहुत अच्छी चीज़ आती है रास्ते में, जब मैं जाता हूँ बाहर जाता हूँ मतलब यहाँ से। सो मैं आपको सीधा डायरेक्टली वहाँ पे लेके जाता हूँ, जो बहुत अच्छी चीज़ है और आपको भी बहुत यूनिक और अच्छी लगेगी, मेरे को भी बहुत यूनिक और अच्छी लगती है। तो चलो सीधा हम लोग डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं। सुबह तो गाइस वो जगह पे मैं पहुंच चुका हूं जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो मैं एक आइसलैंड पे रहता हूं अलग से, यहाँ पे दूसरी साइड जाने के लिए मेरे को बोट से जाना पड़ता है डेली, और मैं डेली बोट से जाता हूं, और डेली बोट से आता हूं। मैं आपको दिखाता हूं बोट में कितना मज़ा आता है कितना। अभी बोट से निकला हूँ, तो यहाँ से एक ऑटो लूँगा, और ऑटो में पास में ही गुरुद्वारा है, ऑटो से मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो अभी सीधा मिलते हैं आपको गुरुद्वारा साहब के सामने। तो भाई ये वाली बिल्डिंग में जो इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का घर है, तो ये वाली बिल्डिंग है। गुरुद्वारा साहिब के सामने आया हूँ, कैमरा अलाउ रहेगा तो अंदर जरूर लेके जाऊँगा, अगर नहीं रहेगा तो मैं बाहर से ही आपको दिखा देता हूँ एक बार, देख दो। गाइस तो अभी मैं गुरुद्वारा से निकला हूँ, तकरीबन 2:30 बज गए हैं अभी, और मैं 2 बजे के करीब गया था। अभी मैं सोच रहा हूँ हम लोग बीच पे चलेंगे, जो वर्सोवा बीच जो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने है, तो गुरुद्वारा थोड़ी पीछे है, तो यहाँ से राइट मार के हम लोग वर्सोवा बीच के पास पहुँच जाएंगे। तो सीधा हम लोग वहीं पर मिलते हैं।
गाइस मैं अभी अभी वर्सोवा बीच पे हूँ। इतना मज़ा आ रहा है यार, मतलब सोच नहीं सकता मैं, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज तो। सामने से ठंडी ठंडी धूप पड़ रही है, धूप गर्म पड़ती है पर ठंडी ठंडी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि समुंदर है साथ में और साथ में दोनों मिलके ठंडी और गर्म दोनों चीज़ें साथ में फेंक रहे हैं। और देख सकते हो यार आप, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। क्या बोलूँ यार, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी यहाँ पे बोट नहीं है, वरना मेरा बोट में जाने का बहुत मन था। बोट अभी चालू नहीं है आई थिंक कोविड की वजह से, तो इसीलिए बोट नहीं है, वरना मैं बोट में पक्का जाता। और जो आप क्राउड देख रहे हो, इससे भी ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पे। मैं लास्ट टाइम जब आया था बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो अभी क्राउड नहीं है इतना। बस यार आप देखते रहो क्या चीज़ है। वाओ अमेजिंग। मैं शुरू से ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ यार, और मुझे ऐसी लाइफ मिल रही है वाहेगुरु जी की कृपा से। मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ धीरे धीरे करके, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, तो और भी जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मेरे सपने हैं, वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। और मेरे को सबसे पहला सपना ही था ये, मुंबई आने का। वैसे मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो नहीं आ पाते। ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो मुंबई नहीं आ सकते, जिनका कोई प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली कंडीशन है या किसी और वजह से मुंबई नहीं आ सकते। सो इसीलिए ये वीडियो उनके लिए बनाया है। और बहुत मज़ा आ रहा है बीच पे यार, कभी भी आओ वर्सोवा बीच ज़रूर आना। ये मतलब सब बीचेस में फेमस बीच ये भी आता है वर्सोवा बीच। सो अभी चलो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ सिनेमैटिक सीन, सो ट्राई करूँगा अगर बना पाया तो। सो होप गाइज आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होएगा, और जो मैंने चीज़ दिखाई है वो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको मैं गुरुद्वारा गया वो चीज़ आपने मतलब एंजॉय किया है वीडियो को फुल। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना गाइज, और कमेंट करके बताना आपको ये बीच कैसा लगा, और जो मुंबई का गुरुद्वारा था उसका जो वे था सब चीज़ें करने का वो आपको कैसा लगा। तो इसीलिए भी ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता फालतू में, जो देखने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी। अगर इसके बाद भी कुछ रहेगा तो वो मैं कैप्चर कर लूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे को बहुत मज़ा आया यार, आपको अगर ये मज़ा आया देख के वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर अभी नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके प्यार की ज़रूरत है। सो अभी मैं थोड़ा थक भी गया हूँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि घर जाता हूँ और घर जाके मस्त आराम से 1-2 घंटा सोता हूँ। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो फिर से बोल रहा हूँ लाइक कर देना। सो अभी मैं जा रहा हूँ, बाय बाय गाइस, लव यू ऑलवेज।